नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पूरे देश में एक ही दिन सभी को वेतन देने की तैयारी। केंद्र सरकार जल्दी ही वह व्यवस्था शुरू करने जा रही है जिसके तहत देश के संगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने एक ही दिन वेतन मिल सकेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक देश एक दिन वेतन की व्यवस्था शुरू करने पर काम किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हर महीने वेतन का दिन समान होना चाहिए जिससे सभी को समय से वेतन मिलना सुनिश्चित हो सके। 30 नवंबर से पहले जमा करें सर्टिफिकेट, नहीं तो रुकेगी पेंशन। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी पेंशन धारकों को 30 नवंबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित पेंशन धारक की पेंशन रोकी जा सकती है। जीवित होने का प्रमाण पत्र SBI की ब्रांच या पास के आधार सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जमा कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिजिटली भी जमा कराया जा सकता है। 97 वर्षों से नहीं बढ़ी मध्य प्रदेश के धनोरा गांव की जनसंख्या। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के धनोरा गांव की जनसंख्या पिछले 97 साल से 1700 ही है। स्थानीय निवासी SK महाबयो का कहना है कि 1922 में कांग्रेस ने गांव में बैठक की थी जिसमें कस्तूरबा गांधी भी शामिल थी। कस्तूरबा गांधी ने छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा दिया था। गांव वालों ने इस नारे को अपना लिया और यह भी समझा कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। 2 साल बाद बिल गेट्स फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स 2 साल बाद फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अक्टूबर 2017 में बिल गेट्स को पीछे छोड़ने वाले जेफ बेजोस अब दूसरे नंबर पर फिसल गए हैं। गेट्स की नेटवर्थ 7.89 लाख करोड़ रुपए और जेफ बेजोस की संपत्ति 7.82 लाख करोड़ रुपए है। जेफ बेजोस का अगर अपनी पत्नी से तलाक नहीं होता तो वे आज भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। दक्षिण कोरिया में लोग खुद कर रहे हैं अपना अंतिम संस्कार। साउथ कोरिया में लोग जिंदगी को बेहतर बनाने और सही तरीके से समझने के लिए मौत का एहसास कर रहे हैं और इसके लिए खुद ही अपना अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में ह्योवन हीलिंग सेंटर कंपनी ने लिविंग फ्यूनरल के नाम से एक प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें जीवित व्यक्ति अपनी मौत का एहसास करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 25,000 लोग जीते जी मौत का एहसास कर चुके हैं। लिविंग फ्यूनरल में 10 मिनट तक रहना होता है बंद ताबूत में। ह्योवन हीलिंग सेंटर कंपनी का कहना है कि लोग अपनी मर्जी से हमसे संपर्क करते हैं और वे इस उम्मीद से आते हैं कि मौत का एहसास करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लिविंग फ्यूनरल के तहत लोगों को 10 मिनट तक बंद ताबूत में कफन ओढ़ाकर लिटा दिया जाता है। इस दौरान वो सभी रस्में पूरी की जाती है जो अंतिम संस्कार के दौरान होती है। परिवार दोस्तों सहित खुद को समझ आती है जीवन की सही वैल्यू। हीलिंग सेंटर के प्रमुख जियांग योंग मुन का कहना है कि जब परिवार के लोग और दोस्त इस तरह के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो वे मन से उस व्यक्ति के प्रति गिले शिकवे खत्म कर देते हैं और वो व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। परिवार और दोस्तों के साथ माफी और सामंजस्य की तलाश के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसा करने के बाद लोग जीवन की सही वैल्यू समझ पाते हैं। दूरसंचार कंपनियों को बकाया भुगतान में राहत के संकेत। केंद्र सरकार ने संकट के दौर से गुजर रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से कंपनियों के बकाया भुगतान को लेकर छूट दिए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार वोडाफोन, आईडिया और भारतीय एयरटेल को बकाया भुगतान को लेकर वित्तीय राहत पर विचार कर रही है। एयरटेल और वोडा आईडिया पर कुल बकाया 92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने गुलाबी गेंद से की प्रैक्टिस। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्र अश्विन ने कोलकाता में होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच में इस्तेमाल होने वाली गुलाबी गेंद से इंदौर के होलकर स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 22 नवंबर से भारतीय टीम पहली बार डे नाइट टेस्ट खेलेगी। टेस्ट मैच से पहले टीम को दूधिया रोशनी में अभ्यास करने के लिए सिर्फ 2 सत्र मिलेंगे। पहले दिन फिल्म मरजामा ने कमाई करीब 7 करोड़। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और तारा सुतारिया की फिल्म मरजामा रिलीज हो गई है। इसी के साथ फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म मरजामा ने पहले दिन 6.5 से 7 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। पहले दिन के हिसाब से यह आंकड़ा संतोषजनक है। इस फिल्म में रितेश ने 3 फीट के बोने का किरदार निभाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज लाइव।